दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम शॉपसी के बड़े अपडेट के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि शॉपसी फ्लिपकार्ट की कंपनी है और फ्लिपकार्ट की कंपनी अगर कोई भी अपडेट लाएगी तो वो छोटे मोटे अपडेट नहीं होंगे, बड़े काम के अपडेट होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो इमेज को देख के चीज़ों को समझ सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइनली शॉपसी ने निकाल दिया है। शॉपसी ने सोचा कि ऐसे लोग किस तरीके से हमारे एप्लीकेशन की हेल्प से शॉपिंग कर सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके अलावा शॉपसी ने सोचा कि जो अलग अलग लैंग्वेज में भाषा को बोलते हैं वो हमारे एप्लीकेशन से किस तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। फीचर को स्टार्ट कर दिया अपने एप्लीकेशन में, जिस फीचर का नाम था वॉइस सर्च फीचर, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में वॉइस कमांड दे के बोल के कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकता है। ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इंग्लिश जानते हो तो आप इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हो जो आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए कोई भी चीज़ चाहिए तो वो इंग्लिश में बोल दीजिए। कोई व्यक्ति है जो हिंदी में जानता है वो हिंदी में बोलेगा तो भी वही चीज खुल के आएगी। इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज जानता है जैसे मराठी जानता है तो वो मराठी में बोलेगा तो भी वही प्रोडक्ट उसके सामने खुल के आएगा। यानी कि शॉपसी की तरफ से एक वॉइस कमांड फीचर बहुत ही ज्यादा शानदार लॉन्च कर दिया गया है जिसका बहुत सारे लोग अब फायदा उठा सकते हैं। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि अब जितने भी लोग शॉपसी को रेफर करेंगे उनको शॉपसी की तरफ से 20% कमीशन दिया जाएगा जो कि रेफरल कमीशन होगा और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। वैसे रेफरल में थोड़ा सा मैंने इशू देखा है शॉपसी के कि जो पैसे हैं वो ऐड होते जाते हैं लेकिन वो बैंक में क्रेडिट नहीं होते। बहुत बार मैंने शॉपसी की टीम से इसके बारे में डिस्कस किया है, पता नहीं ये क्या इशू है या क्या प्रॉब्लम है वो मेरे को आज तक समझ नहीं आई। एक आध बार स्टार्टिंग में मेरे को पेमेंट रिसीव भी हो गया था और उसके बाद मेरे को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन शॉपसी के एप्लीकेशन के हिसाब से अब ये बड़ा अपडेट है कि जितने भी लोग किसी भी अपने फ्रेंड को रेफर करेंगे शॉपसी एप्लीकेशन को और वो शॉपसी एप्लीकेशन से कुछ भी खरीददारी करेगा या वो शॉपसी एप्लीकेशन से कुछ भी रीसेल करेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसका आपको 20% कमीशन के रूप में दिया जाएगा। तीसरा बड़ा अपडेट है, जैसा कि आपको पता होगा ई कॉमर्स बिजनेस में कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, यानी कि इतना कर्रा कंपटीशन है कि रेट की मारामारी लगी हुई है। तो अभी क्या है कि अभी शॉपसी ने सभी प्रोडक्ट की रेट को डाउन कर दिया है। ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया है कि हमारे प्रोडक्ट की रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी हैं। शॉपसी ने वादा किया है कि जो फ्लिपकार्ट पर रेट देखती हैं उससे सस्ते प्रोडक्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जब किसी मीडिया अधिकारी ने शॉपसी के अधिकारियों से पूछा कि आप किस तरीके से फ्लिपकार्ट पर दिखने वाली रेट से भी सस्ते प्रोडक्ट शॉपसी पर प्रोवाइड करेंगे तो उनका जवाब था कि जब कोई भी व्यक्ति कोई भी सेलर फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट सेल करता है तो उनसे हम कुछ कमीशन लेते हैं जो कि फिक्स कमीशन रहता है प्रोडक्ट सेलिंग पर। उसी जगह जब शॉपसी पर कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लगाता है तो हम उससे कमीशन नहीं लेते, तो हमारा जो कमीशन रहता है फ्लिपकार्ट पर 10-18-20-22% तक कमीशन हम लोग लेते हैं। और जो 10-22% तक के बीच जो कमीशन लिया जाता है वो फ्लिपकार्ट पर लिया जाता है और शॉपसी पर नहीं लिया जाता। तो जो 10-22% तक हमारी रेट ऑटोमेटिकली शॉपसी पर कम हो जाएंगी, तो ये उन्होंने जवाब दिया। तो फाइनली काफ़ी प्रोडक्ट की रेट मेरे को भी देखने में कम लगी है। जो अगला चौथा अपडेट है वो इसी चीज़ से रिलेटेड अपडेट है कि अभी शॉपसी जो सेलर के लिए ऑफर लेके आया है वो 0% कमीशन पर सेल करने का ऑफर लेके आया है। अगर आप शॉपसी पर सेल करना चाहते हैं तो आप 0% कमीशन पर सेल कर सकते हैं, यानी कि शॉपसी आपसे एक रुपया भी नहीं लेगा आपके प्रोडक्ट को सेल होने पर। ये सभी लोग जानते हैं, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग का एक तरीका है। स्टार्टिंग में किसी से भी कुछ भी नहीं लिया जाएगा लेकिन जब इनका ये प्लेटफॉर्म का सेटअप हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों से भी और दूसरे लोगों से भी पैसे लिए जाएंगे शॉपसी की तरफ से। पांचवा बड़ा अपडेट ये आया है शॉपसी के अंदर कि शॉपसी ने अभी फिलहाल में 700 सिटी में ग्रोसरी का बिजनेस शुरू कर दिया है और ग्रोसरी के बिजनेस में देखा गया है कि मोस्टली जितनी भी रीसेलिंग कंपनियों ने स्टार्ट किया वो फेल हुई हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाई और अब की बार जो हाथ आजमाया है वो शॉपसी ने आजमाया है। तो शॉपसी के बारे में
ऐसी कोई भी हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि शॉपसी फ्लिपकार्ट की कंपनी है और फ्लिपकार्ट की मिंत्रा भी कंपनी है, तो इनका पहले से बहुत बड़ा वजूद है। ना मुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, तो इनके बारे में हम कुछ बोल भी नहीं सकते। छठवां बड़ा अपडेट है कि शॉपसी के 50 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। 50 मिलियन, आप सोचिए 50 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि मीशो के 100 मिलियन है, लेकिन मीशो को 100 मिलियन लाने तक 5 साल लग गए थे और शॉपसी ने 1 साल के अंदर 50 मिलियन डाउनलोड पूरे कर दिए हैं। सातवां बड़ा अपडेट है कि शॉपसी ने अभी कस्टमर केयर नंबर इशू कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले जब आप कॉल लगाते थे तो वहां पे फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर बोलते थे, जिनको शॉपसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप लोग बोलते थे शॉपसी में ये किया था, तो उनको खुद नहीं पता होता, वो आपकी कॉल को होल्ड पर लगाते, उसके बाद अपने टीम मैनेजर से कन्फर्म करते और उसके बाद आपसे बात करते थे। तो अब भी जो टीम है वो अलग अलग कर दी गई है, शॉपसी की टीम अब अलग हो चुकी है और फ्लिपकार्ट की अलग हो गई है। अब आप कॉल लगाओगे तो शॉपसी के ही कस्टमर केयर आपसे बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। आपको बताना चाहूंगा कि शॉपसी का सबसे बड़ा जो प्रमोशन में सबसे ज्यादा दिखाया गया कि 5 से स्टार्टिंग है प्रोडक्ट की, तो वो स्टार्ट हो चुकी है और फिर से स्टार्ट है, और आप जाके 5 रुपए में भी प्रोडक्ट की रीसेलिंग कर सकते हैं। यानी कि इनके जो प्रोडक्ट की रेंज है वो 5 रुपए से बढ़ के लाखों रुपए तक की रेंज है, लाखों रुपए तक के प्रोडक्ट इनके एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। दसवां बड़ा अपडेट ये है कि शॉपसी के अंदर होलसेलर का भी एक ऑप्शन दिख जाता है, जहां पे जाके आपको प्रोडक्ट होलसेल रेट में भी दिख जाएंगे। आपको पता होगा फ्लिपकार्ट होलसेल के नाम से भी इनका एक बिजनेस है, इनका एक एप्लीकेशन है जहां पर होलसेल रेट में प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उसको भी इन्होंने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति शॉपसी की हेल्प से B2B में भी रीसेलिंग बिजनेस करना चाहे तो अब कर सकता है। शॉपसी के अंदर भी B2B में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिन्हें आप रीसेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे शॉपसी के अंदर के 10 बड़े अपडेट। आप लोगों को ये अपडेट कैसे लगे कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।